गाइस कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आ गया हूँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर हार्दिक पांड्या के ऊपर। आईपीएल 2022 में हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटन को लीड करते हुए फाइनल में पहुंचाया था और उसके साथ साथ ट्रॉफी को पहले ही डेब्यू सीजन में अपने घर ले आया। लेकिन क्या आप हार्दिक पांड्या का निकनेम जानते हो और उनका नेटवर्थ क्या है ये भी आप जानते हो? तो दोस्तों ये सब जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 10 से। परफेक्ट। हार्दिक पांड्या वॉज अ लेग स्पिनर। आज तो सब जानते हैं कि हार्दिक पांड्या बैटिंग ऑलराउंडर है, लेकिन क्या आप जानते हो हार्दिक पांड्या ने अपनी करियर की शुरुआत फास्ट बॉलर के तौर पे नहीं एक लेग स्पिनर के तौर पे शुरू की थी। बाद में उनकी मुलाकात किरण मोरे से हुई और किरण मोरे ने ही उन्हें सजेस्ट किया कि आप फास्ट बॉलिंग करो। फैक्ट नंबर 9, निकनेम ऑफ हार्दिक पांड्या। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी को माही कहा जाता है और विराट कोहली को चीकू कहा जाता है और तो और रोहित शर्मा को हिटमैन कहा जाता है। और क्या आप शेखर धवन जी का निकनेम जानते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जब सारे क्रिकेटर का निकनेम है तो हार्दिक पांड्या क्यों उसमें पीछे रहे? हार्दिक पांड्या का निकनेम रॉकस्टार है और इन्हें ये नाम इनकी पहली टीम मुंबई इंडियंस ने दिया था। इन्हें ये नाम इनके प्लेइंग स्टाइल और इनके बॉडी लैंग्वेज को देख के दिया गया था। फैक्ट नंबर 8, इनिशियल कोचिंग। क्या आप जानते हो कि हार्दिक पांड्या के सबसे पहले कोच किरण मोरे ही थे? हार्दिक पांड्या ने अपनी क्रिकेट करियर की शुरुआत किरण मोरे के ही एकेडमी से शुरू की थी, लेकिन हार्दिक पांड्या की उस समय फाइनेंशियल इनकम कुछ ठीक नहीं थी। और अच्छी बात यह है कि उनके कुछ मोरे उनसे कोई भी फीस नहीं लेते थे। हार्दिक पांड्या ने 3 साल तक उनके अंडर ट्रेनिंग की थी। फैक्ट नंबर 7, आईपीएल डेब्यू। आज हार्दिक पांड्या आईपीएल टीम गुजरात टाइटन के कप्तान बन चुके हैं और हार्दिक पांड्या इस समय अपनी टीम में सबसे महंगे प्लेयर है। लेकिन क्या आप जानते हो कि हार्दिक पांड्या की जब पहली डेब्यू थी तो उन्हें कितने में खरीदा गया था? गुजरात टाइटन की ओर से हार्दिक पांड्या को 15 करोड़ की मिलने वाली सैलरी हासिल करने वाले हार्दिक पांड्या की सबसे पहली सैलरी सिर्फ 10 लाख रुपए थी। मुंबई इंडियंस ने मात्र 10 लाख रुपए देके उनको अपनी टीम में शामिल किया था। उसके बाद तो आप देख ही सकते हो कि उनका प्रदर्शन क्या था और वो कहां कहां तक गए थे। तो चलते हैं दोस्तों फैक्ट नंबर 6 पे। हार्दिक पांड्या इज अ टैटू लवर। इंडियन क्रिकेट टीम्स के बीच टैटू काफी लोकप्रिय है, जैसे कि विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल के इनके टैटू तो आप देखे ही होंगे। और हार्दिक पांड्या भी इसमें पीछे नहीं है। उन्होंने अपने बॉडी पे 4 टैटू बनवा रखे हैं और चारों टैटू अलग अलग मीनिंग पे हैं। उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड में एक बहुत अच्छी टैटू बनाई है। उन्होंने लिखा है टाइम इज एवरीथिंग। उन्होंने अपना पूरा करियर उस टैटू में लिख दिया है। फैक्ट नंबर 5, मैरिड विद नताशा। हार्दिक पांड्या शुरू से ही अपने खेल से ज्यादा कंट्रोवर्सी और अपने पर्सनल लाइफ की वजह से फेमस रहे। शादी के पहले हार्दिक पांड्या के काफी सारे अफेयर थे, लेकिन अब उन्होंने फाइनली नताशा से शादी कर लिया है और अभी उनका एक बेटा भी है जिसका नाम है अगस्त्य। तो चलिए दोस्तों फैक्ट नंबर 4 पे। फर्स्ट टाइम लीड द टीम एंड थ्रू द फाइनल। जब गुजरात टाइटन ने हार्दिक पांड्या को एज अ टीम लीडर घोषित किया तब बहुत से क्रिकेट एक्सपर्ट ने अपनी आपत्ति जताई, क्योंकि हार्दिक पांड्या के पास कप्तानी करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। उनको पहली बार गुजरात का कप्तान बनाया गया और उन्होंने पहली बार में ही उनको ट्रॉफी जिता के दी। फैक्ट नंबर 3, हार्दिक फादर्स लव टुवर्ड्स द क्रिकेट। हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या के सक्सेस के पीछे सिर्फ उनके फादर हिमांशु पांड्या के हाथ है और उनके फादर का सपना था कि उनके दोनों बेटे को प्रोफेशनल क्रिकेटर बनाने का। दोनों बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए वो सूरत से बड़ौदा आ गए ताकि उनके दोनों बेटों को ज्यादा से ज्यादा चांस मिले। फैक्ट नंबर 2, हार्दिक एंड कुणाल आर ऑल्सो कॉल्ड मैगी ब्रदर्स। हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या के बीच में एक अच्छी बात यह है कि इन दोनों को मैगी ब्रदर्स के नाम पे भी जाना जाता है। दोनों भाइयों ने जब करियर की शुरुआत की थी तो इनको मैगी खाना बहुत पसंद था। दोनों ब्रदर्स को मैगी के प्रति प्यार देखकर उन्हें मैगी ब्रदर्स के नाम पे बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे फाइनल फैक्ट नंबर 1 पे। हार्दिक पांड्या नेटवर्थ। कभी 5 रुपए की मैगी खाने वाले हार्दिक पांड्या आज करोड़ों के मालिक हैं। हार्दिक का टोटल नेटवर्थ कम से कम 67 करोड़ रुपीज है। हार्दिक पांड्या लगभग हर महीने 1.5 करोड़ की कमाई करते हैं। हार्दिक पांड्या क्रिकेट के अलावा भी उन्होंने बहुत सारे एड प्रमोशन करते हुए पैसे कमाए। बड़ौदा में उनकी बहुत अच्छी घर है और उसके साथ साथ इनकी बहुत सारी कार कलेक्शन, जैसे कि मर्सिडीज, रोल्स रॉयल्स, लैम्बोर्गिनी और ऐसे ही बड़े बड़े लग्जरी कार्स के मालिक हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट हार्दिक पांड्या। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।